Good morning friends, today I am going to tell the summary of chapter 3, the story of my life. इसमें होता क्या है? समय के साथ हेलेन की अभिव्यक्ति की इच्छा बढ़ने लगी. कुछ इशारे जिनसे वे संवाद करती थी उसके लिए काम पर्याप्त लगने लगे. वह अपने आप को मजबूर समझने लगी और दुखी रहने लगी. उसके माता पिता घबराए और शोक में थे. टस्काम्बिया जहाँ वह रहती थी वहाँ अंधों या बहरों का कोई विद्यालय नहीं था. उसकी माँ ने डिमकेंस द्वारा रचित अमेरिकन नोट्स में लारा ब्रिजमैन के बारे में पढ़ा जो अंधी और बहरी थी फिर भी उसे डॉक्टर हैन ने शिक्षा प्रदान की थी. डॉक्टर हैन की मृत्यु बहुत पहले हो चुकी थी और शायद उनके पढ़ाने का तरीका भी उन्हीं के समय समाप्त हो चुका था. हेलेन के पिता ने एक मशहूर नेत्रशल्य चिकित्सक डॉक्टर चिलोसम के बारे में सुना जो बाल्टीमोर में रहते थे. उन्होंने कई चिकित्सक मामलों में सफलता हासिल की थी. वह उसे बाल्टीमोर ले गए. हेलेन ने रेलगाड़ी के सफर का आनंद लिया. उसने पूरी यात्रा में खालीपन महसूस नहीं किया क्योंकि उसकी उंगलियों और दिमाग को व्यस्त रखने के लिए कई चीजें मौजूद थीं. वे डॉक्टर चिलोशम से मिले परंतु उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ. डॉक्टर ने उन्हें डॉक्टर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल से मिलने को कहा. वे वाशिंगटन गए. वहाँ उन्होंने डॉक्टर बेल से मुलाकात की. बेल ने सहानुभूति पूर्वक हेलेन की जांच की. डॉक्टर ने हेलेन के पिता को बोस्टन के पार्किंस इंस्टीट्यूट के निदेशक मिस्टर एंगनोस को पत्र लिखने की सलाह दी. उन्होंने निदेशक को पत्र लिखा और कुछ हफ्तों के भीतर उन्हें स्मारकात्मक जवाब मिला कि उन्होंने योग शिक्षक ढूंढ लिया है. यह 1886 की ग्रामीण ऋतु की घटना थी परंतु हेलेन की शिक्षिका मिस एन सुलिवान अगर्मी मार्च तक ही आ पाई जो हेलेन को अंधकार से प्रकाश की ओर ले गई. अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.